नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर दुबे, आपका मैं हार्दिक स्वागत रखें। कि गियर ऑयल आपके डिफरेंशियल में चल जाएगा पर डिफरेंशियल ऑयल आपके गियर में नहीं चलेगा, क्योंकि डिफरेंशियल ऑयल ज्यादा थिक होता है, गियर ऑयल थोड़ा सा पतला होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है, इन दोनों को जब बनाया जाता है तो एक को गियर ऑयल के हिसाब से बनाया जाता है, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे तो नहीं पर रिंग्स, वायरिंग्स, सिंक्रोनाइजर, ये सब जब उससे जुड़े हुए रहते हैं तो सभी जगह पे जाना चाहिए, इस तरीके से इसका डिजाइन होता है। वैसे ही आपका डिफरेंशियल ऑयल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत बड़े बड़े गियर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, ज्यादा प्रेशर चलता है उस पर, ज्यादा लोड पड़ता है, तो इसलिए जो लेयर है वो जितनी मोटी रहेगी उतना जल्दी आपके गियर्स कम खिसेंगे। लेकिन वही मोटे अगर आप गेयर बॉक्स में डालेंगे तो चूंकि कहीं कहीं पर पतली जगह होती है, वहां से वो ऑयल उतनी तरीके से पास नहीं होगा। तब आपको क्या प्रॉब्लम आएगी? तब प्रॉब्लम आएगी कि आपके गेयर हल्की से हार्ड लगेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लुब्रिकेशन कम होगा तो आपके गेयर में आपको पता चलेगा। अभी रिसेंट की बात है, डिफरेंशियल ऑयल पावर प्लस में गेयर ऑयल में डाल दिया गया, तो उनके साथ यही प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उनको बाद में करना पड़ा कि चलो हो गया, अभी जो हो गया तो हो गया, फिर उनको गिराना पड़ा और फिर उन्होंने गियर ऑयल डाल दिया। पावर प्लस वाले तो हमेशा ध्यान दें, ये मैंने आपको कंपनी वाला बता दिया है, 350-400 के आसपास आप आफ्टर मार्केट भी ले सकते हैं। कंपनी वाला लेने से आपको फायदा ये रहता है कि आपकी झंझट दूर रहती है कि कौन सा गियर है, कौन सा गियर कितना क्या, कौन सा मैकेनिज्म है, ये सब आपको पता करने की जरूरत नहीं होती। और हाँ, एक चीज और है, कंपनी वाले बॉक्स से आप इसका कोई भी थिकनेस प्रॉपर्टी नहीं पता कर सकते। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे सभी में लिखा रहता है 75-90, 75-95 या कुछ भी है, वो आप इस बॉक्स में कहीं पे भी नहीं देखोगे, कहीं पे भी नहीं, कहीं पे W लिखा हो कि 90 लिखा हो, कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, इन्होंने कहा है कि जब भी आप देखें तो सेल का जरूर मार्किंग देख ले, तो इनसे आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही आप इंजन ऑयल को गियर ऑयल में नहीं डाल सकते, गियर ऑयल आप ट्रांसमिशन में बहुत सारे लोग डालते हैं, मैंने देखा है, आज भी उनकी गाड़ी चल रही है, ऐसी दिक्कत नहीं है, मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा। 90 और 95 का बस अंतर रहता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता। तो आप इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, तो वहां से भी आप देख सकते हो। M2 DI से या DI इंजन में जो NGT गियर बॉक्स होते हैं, इनमें आपका क्राउन ऑयल हल्का फुल्का चल भी जाता है, इतनी दिक्कत नहीं करता। और पावर प्लस में ये गलती ही ना करें, क्राउन ऑयल ना डालें। अगर डालते हैं तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम आती है सिर्फ वही थिकनेस के कारण। कुछ लोग बोल सकते हैं कि मेरी गाड़ी अच्छी चलती है, ठीक है, पर कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है, तो वो आपके साथ आए या ना आए पहले से ही प्रिकॉशन ले लीजिए। जब ऑलरेडी कंपनी ने आपको दे के रखा है कि आपको यही ऑयल डालना है, तो क्यों दूसरा चेंज करें। इस वीडियो में यहीं तक था, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। इन्होंने किया है, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।